ये इंडियन बाय ड्रम सिटी का हाउस क्या है मैंने मॉडिफाई, बट अभी तो ये कुछ ही सही गेट हाउस दिखता है, बिल्कुल नॉर्मल। तो चलो इसको मॉडिफाई करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, मैं यहां पर आ चुका हूं एंड सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। मैंने यहां पर एक रैंप मंगाया था और भाई डिलीट तो होते नहीं है। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मैं मंगाने वाला हूं अभी एक डस्टबिन, ठीक है। मैंने यहां पर डाला P6 एंड गाइस हमारे सामने अरे जेब्रा क्रॉसिंग आ गया, ये थोड़ी ना चाहिए हमको। तो मैंने यहां पर डाला P3 ने 5 डाल दिया यहां पर और गाइस हमारे सामने डस्टबिन आ चुका है। तो चलो मैं यहां पर फटाक से एक डस्टबिन लगा देता हूं ताकि भाई मेरा ना घर एकदम क्लियर रहे, भाई कोई गंदगी नहीं होने वाली है। सेकंड भी डस्टबिन हमने मंगा लिया, इनको भी हम लगा देते हैं ताकि भाई साहब भाई मतलब भाई क्लियर होना चाहिए पूरा हाउस, गंदगी कहीं पर भी नहीं, स्वच्छ भारत अभियान। तो चलो मैंने डस्टबिन लगा दिया, उसके बाद मैं मंगाने वाला हूं ग्रास। जी हां दोस्तों, मैं ग्रास यहां पर लगाने वाला हूं। ये मैंने मंगा लिया, आप लोग देख सकते हो इसका चीट कोड क्या था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मुझे नहीं बताया। तो चलो फटाक से मैं इसको लगाता हूं एंड जहां से हम बाहर निकलते हैं ना उसके साइड में ही लगाएंगे, यहीं पे। जी हां दोस्तों, आप लोग देखोगे भाई कितनी ज्यादा खतरनाक लगने वाली है ये चीज, भाई देख सकते हो मैंने इधर भी लगा दिया और अभी सेकंड भाई इधर भी लगा देते हैं। ऑलराइट, मैंने यहां पर एक स्पॉन की ग्रास और इधर भी लगा देता हूं ताकि भाई सब एक नंबर मॉडिफाई होना चाहिए। और गाइस लास्ट के रिजल्ट आप लोग देख करना, बिल्कुल चौंकने वाले हो। तो अभी क्या अभी लाइक कर सकते हो वीडियो को, वरना लास्ट में कर देना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी गाइस आप लोग देखो मैंने यहां पर ग्रास लगा दी है और अभी गाइस हम लगाने वाला गेट के बाहर वॉल। जी हां दोस्तों, एक वॉल भी लगाते हैं। चलो यार मैं यहां पर एक वॉल स्पॉन करा लेता हूं। ऑलराइट, मैंने स्पॉन करा लिया एंड गाइस अभी हम लगाते हैं भाई बिल्कुल गेट के बाहर, मैंने लगा दी उधर, अब इधर भी लगा देता हूं। भाई फुल्ली मॉडिफाइड होने वाला है, गजब लेवल का, ठीक है। और हां गाइस मैं आपको बता दूं, गाइस एक बार बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो यहां पर आप लोग देखोगे हमने यहां पर लगा दिया, भाई एकदम मस्त लग रहा है ना अभी गाइस एंट्री एरिया। और अब मैं आपको बताऊं इधर मैं ग्रीन एरिया बनाने वाला हूं जहां पे मस्त चिल मार सकूं एंड इधर बनाने वाला हूं पार्किंग। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक पार्किंग आपने थंबनेल में शायद देख ली होगी। तो चलो गाइस अभी हम और भी कुछ लगाते हैं, ट्रीज लगाएंगे। जी हां दोस्तों, अभी गाइस मैं आ चुका हूं ट्रीज का चिट कोड लेके। और अभी अपने घर में ना भाई ग्रीनरी हमको बहुत अच्छी लगती है, तो भाई मैं लगाने वाला हूं अपने हाउस के अंदर ट्रीज। जी हां दोस्तों, आप लोग देखोगे पहले से भी थोड़े लगे हुए हैं बट अब ज्यादा लगेंगे भाई, अब तो मजे भाई, अब कितने भी आप मंगा सकते हो यहाँ पर ट्रीज वगैरह। चलो बड़ा से लगाते हैं। मैंने यहाँ पर ना भाई साहब बहुत सारे ट्रीज लगा दिए और इनको मैं कर देता हूँ साइड में। ऑलराइट गाइस, आप लोग देखो यार मस्त लग रहे ना एकदम। आ तो गाइस इधर भी हम लगाने वाले हैं यार, इधर भी हम वॉइस से ही ट्री लगाने वाले हैं जैसे उधर लगाए थे, जो फटाक से लगाते हैं। मैंने इधर भी ट्रीज लगा दिए भाई, काफी ज्यादा मस्त रिजल्ट होने वाला है। तो चलो उसी के लिए भाई मैं लगा देता हूं यहां पर ग्रास, भाई रिजल्ट मस्त आने चाहिए भाई यहां पर। तो चलो ग्रास भी लगाता हूं और भी ज्यादा मस्त होगा। यहां पर P4 डाला मैंने एंड गाइस हमारे सामने ग्रास आ चुकी है। तो गाइस अभी मैं इसको भी लगाता हूं एंड इधर भी मैंने लगा दिया, आप लोग देखो दोनों के साइड में लगा दिया, यहां पर ट्रीज भी दोनों साइड में हो चुकी है, ग्रास भी दोनों साइड में हो चुकी है। सो अब गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया आ चुका है, मैंने इस घर के ऊपर कुछ बनाने वाला हूं, मतलब भाई यार वॉल लगा के कुछ मतलब ट्रिपल स्टोरी बना देता हूँ इसको। आप लोग आ गए सेकंड फ्लोर ना, थर्ड फ्लोर बनाने वाला हूँ, मतलब भाई काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। तो चलो फटाक से मैं यहाँ पर वॉल वगैरह लगाता हूँ और भाई थर्ड फ्लोर भी बना देता हूँ यार, अब भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मेहनत भी काफी लग रही है यार। तो चलो फटाक से लाइक कर सकते हो आप लोग, चलो फटाक से बनाते हैं। मैंने ना कितनी सारी यहाँ पर वॉल मंगा डाली है, बाट का सब आया, अब रूम बना दिया यार, ये चेक करो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है यहाँ पर रूम। और रूम के अंदर भी हम क्या बनाने वाले हैं वो तो हम देख लेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोन सूट। भाई देख सकते हो घर के ऊपर ना एक ट्रिपल स्टोरी यानी कि बस सर थर्ड फ्लोर भी हो चुका है, तो इसके अंदर हम कुछ बनाएंगे बट उससे पहले हम इधर भी गाइस एक रूम बना देते हैं, मतलब ओपन रूम होने वाला है। तो चलो फटाक से बनाकर आपको दिखाते हैं। लगा देना और उसके बाद ना भाई साहब यार इतनी ज्यादा खतरनाक चीज मैं करने वाला हूँ ना, आप लोग देख रही चौक जाओगे, मतलब भाई मैं ना सीढ़ियां भी बनाने वाला हूँ। और अभी आप लोग कहोगे भाई सीढ़ियां कैसे बनाओगे,
तो आपको वीडियो में पता चलने वाला है। और भाई साहब वो देख करना, आप लोग लिटरली भाई चैनल को सब्सक्राइब ही कर लोगे, अगर नहीं करोगे तो भाई करना यार पड़ेगा यार। मैं आपको दिखाऊंगा मैं सीढ़ियां कैसे बनाता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी ग्रास लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगे भाई, फील इज गुड भाई। जब मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आऊँ ना, मतलब मजे आ जाए, फटाक से लगाता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने भाई सब फुल रेडी कर दिया। अब यहाँ पर भाई चेयर वगैरह नहीं है, वरना भाई यहाँ पर चेयर रख जाती ना काफी ज्यादा मस्त हो जाता है यार। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत डस्टबिन लगा देता हूँ ताकि मैं मस्त लगे भाई, मतलब यहाँ पर कूड़ा फेंकने थोड़ी ना, कूड़ा फेंकने भी आ जाऊंगा भाई छत पे यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थर्ड फ्लोर पे तो यहाँ पर मैंने डस्टबिन लगा दे, इनको कर देते थोड़ा सा साइड में भाई, यहाँ पर लगाता हूँ ये मस्त हो गया। तो चलो गाइस अभी हम उधर साइड में भी बनाते हैं। उससे पहले गाइस आप लोग देखोगे मैं यहाँ पर ना एक थोड़ा सा ब्लॉक यहाँ पर रख देता हूँ ताकि भाई मैं ऊपर चढ़ सकूं। भाई ऊपर चढ़ ही नहीं पाता हूं, उतर भी नहीं पाता हूं, उतरता हूं गिर पड़ता हूं। तो यहां पर भाई अब आराम से चढ़ जाऊंगा। और गाइस आप लोग देख सकते हो इधर पूरा खाली की खाली है। अभी गाइस मैं ना यहां पर बॉक्सेस रखने वाला हूं। जी हां दोस्तों, बॉक्सेस का चीट कोड होने वाला है। यहां पर मैं डालता हूं P10 और P10 जैसे ही डाल करूंगा, ऑलराइट आपको सामने गाइस आ चुका है हमारा बॉक्स। एंड गाइस इसी बॉक्स को मैं रखता हूं एंड इसके साइड में लगा देता हूं थोड़े से ये भाई कैप जैसे, नहीं रोडों पे रखे होते, इनका नाम क्या है मेरे को नहीं पता, आपको पता है बता सकते हो। तो चलो गाइस मैं इधर भी ये बॉक्स रख देता हूं। और इस बॉक्स के अंदर ना हम भाई सब रखने वाले अपना भाई खजाना। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे पास सोने वगैरह ना, सोना वगैरह भाई सब इसमें रखने वाला हूं। चोरी कोई नहीं करेगा मेरे यहां से, ठीक है। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं यार, मैं ना डिफिकल्ट यहां पर सीढ़ियां बनाने वाला हूं ताकि कोई ऐरा गहरा वाला चढ़ी ना पाए, मतलब भाई चोर उचक्का नहीं होता। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर बहुत खतरनाक सीढ़ियां बनाने वाला हूं, आप लोग देख कर ही जोगने वाले हो। तो चलो मैंने यहां पर लगा दिया, आप लोग देख सकते हो डस्टबिन का है, ये बॉक्सेस लगा दिए भाई, कितने ज्यादा मस्त लग रहे, आप लोग खुद बताना यार। और इसमें मेरा सारा का सारा खजाना रखा होगा। तो यहां पर मैं ये थोड़ा सा लगा देता हूं जो कि मस्त लग रहा है भाई, देखने में मजे आ रहे हैं। और सोफे का चिट कोड अगर होता भाई एक नंबर, मजे ही आ जाते, कोई दिक्कत नहीं अभी नहीं है, अगले अपडेट में आ सकता है। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, इधर में मैं कैप का ये चिट कोड डाल देता हूं, इसका नाम क्या, अरे यार पता नहीं, छोड़ो भाई इसको साइड में करते हैं, इसको थोड़ा सा कर देता हूं मैं सेटलमेंटल। और गाइस अगर आपको इन सारे के सारे चीजों की चिट कोड नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो बना रखी है इन सारे के सारे चिट कोड के ऊपर, आप लोग जाओ उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देखकर इन सारे की चीजों के चिट कोड जान सकते हो। तो अभी के अभी जाओ बाय वीडियो देखकर जाना है आपको, ठीक है। चलो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पर ना उधर वाला भी रूम बना दिया, थर्ड रूम इधर वाला भी बना दिया भाई, थर्ड फ्लोर कितना ज्यादा आपको मस्त लग रहा है, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करना। और उसके बाद भाई सब हाउस पूरा बनकर रेडी होगा ना, उसके बाद जो रिजल्ट होंगे चुम्मे सोरी। तो गाइस मैं आपको एक बार ड्रोन शॉट दिखाता हूं, यहां पर आप लोग देख सकते हो इतने ज्यादा मस्त यहां पर थर्ड फ्लोर हो चुका है। और गाइस ये वो ओपन रहने वाला है फुल्ली, मतलब ठंडों में ना ऊपर ही आके बैठूंगा, सोफे वगैरह डाल दूंगा। ओके अभी तो सोफे का चिट कोड है ही नहीं, अभी से ही बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। और अभी तो भाई साहब मेन काम भाई सीढ़ियां बनाएंगे भाई, मतलब यार अलग लेवल। उसके बाद पार्किंग वगैरह ग्रीन एरिया भी बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। फटाक से गाइस आप लोग देखो मैं यहां पर चिट कोड डालता हूं, यस। जी हां दोस्तों, आप लोगों को P3 डाला। और गाइस हमारे सामने ये ब्लॉक आ चुका है जिससे हम रोड ब्लॉक करते हैं या कुछ भी ऐसा बोल दैट मान लो, तो उसी से हम बनाने वाला सीढ़ियां और ऊपर तक ले जाएंगे। अब कैसे बनाना है ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है यार। तो चलो मैं बनाता हूं और आपको दिखाता हूं। आप लोग यहां पर मैं देख लो मॉड ऑन कर लेता हूं ताकि मैं इसको सही से सेट कर पाऊं। तो चलो फटाक से करता हूं फिर आपको दिखाता हूं। दिखाता हूँ यार, ये देखो मैंने इतने सारे ब्लॉक मंगा दिया और गाइस यार मैं सीढ़ियां बना ही रहा हूँ भाई, अभी 50% काम हो चुका है यार। चलो मैं आपको चढ़ के एक बार दिखाता हूँ कि भाई मैं कैसे चढ़ पा रहा हूँ। और हाँ गाइस यार, ये बनाने में ना काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है यार, मतलब इनको ऊपर के लिए उठाना पड़ता है और इतना ज्यादा उठाना पड़ता है, मैं उठा भी नहीं पाता हूँ। अगर गाइस आप लोग जानना चाहते हो कि मैं इनको ऊपर कैसे उठा पा रहा हूँ ये नहीं बताऊंगा। यहाँ पर
मैंने ना भाई सब बना दिए भाई सब सीढ़ियां, आप लोग देख सकते हो यार, मतलब यार कितनी ज्यादा खतरनाक है ना भाई। मतलब मैं खुद भाई मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। आपको ये कैसी लग रही है आप लोग प्लीज से कमेंट करना भाई। अगर आपको सीढ़ियां अच्छी लगे तो सीढ़ियों के लिए कमेंट जरूर से मार देना, क्योंकि यार ऐसी चीज ना भाई भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। चलो गाइस ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या हम सक्सेसफुली ऊपर चढ़ पाएंगे। तो चलो गाइस, वो भाई क्या खतरनाक है भाई, ये देखो आपने कुछ ऐसी चैलेंजिंग चीज देखी है क्या, बता देना ठीक है। चलो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं भाई इजिली चढ़ते हुए जा रहा हूँ, एंड गाइस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिफिकल्ट कर दिया ताकि हर कोई ना चढ़ पाए, मतलब समझ रहा हूँ, मल्टीप्लेयर है ही नहीं, कोई चढ़ ही नहीं पाएगा। चलो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ फाइनली ऊपर, चेक दिस आउट भाई बिल्कुल इजी तरीके से। गाइस अगर आपको सीढ़ियां ओपी लगी भाई, सीढ़ियां मतलब आपको सीढ़ियां अच्छी लगी हैं तो आप लोग जाओ कमेंट में सीढ़ी ओपी जरूर लिखो, सीढ़ियां ओपी भाई। मैं देखता हूँ कितने लोगों को ये पसंद आई है। और गाइस आप लोग भी बनाना चाहते हो तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर देखना है, ऊपर देखना। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये ऊपर कैसे जाती है, चलो मैं बताता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर एक ग्रास मंगा लिया और अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको पकड़ना है और ऊपर करना है ठीक है। पकड़ के ऊपर करो, ऊपर हो गया। अब इसको छोड़ो और नीचे को देखो, मतलब इसको छोड़ के नीचे देखना है और फिर से इसको पकड़ो ऊपर के लिए करो। तो मतलब आपका कैमरा एंगल जब तक नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तब तक ये भी ऊपर जाएगा, ऐसा होगा। फिर आपको नीचे करना है कैमरा एंगल और इसको पकड़ के ऊपर कैमरा एंगल कर देना है। तो ऐसे करके आप लोग इसको ऊपर भेज सकते हो। आप लोग देखो मैंने इसको छत के ऊपर भेज दिया, सेकंड फ्लोर पे, इसी तरीके से किया जाता है। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा। और अभी गाइस आप लोग में से कितने लोग सीढ़ियां वगैरह वगैरह बनाने वाला हो मुझे कमेंट करना। तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं भाई और कुछ बनाने। सो चलो दोस्तों अब हम बनाने वाले अपनी भाई साहब पार्किंग। जी हाँ दोस्तों आप लोग देखो मैं यहाँ पर वॉल को स्पॉन करता हूँ, मैंने वॉल को स्पॉन किया और अब हम बनाने वाले पार्किंग। और पार्किंग के लिए थोड़ी सी वॉल को मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि लोगों ना हमारी कारें दिख सके भाई, मस्त मस्त रेयर रेयर कारें खड़ी होंगी लोगों को दिखेंगी। तो इतनी मैं छोटी वॉल रखने वाला हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको जमीन में गाड़ दिया इस वॉल को भाई। देखो यार मैंने जैसे आपको ऊपर बताया ना वैसे ये जमीन में भी गड़ जाती है। और हाँ गाइस अगर आप लोग इनको गायब करना चाहते हो ना तो गाइस सही तरीके से आप इसको जमीन में गाड़ के गायब भी कर सकते हो। तो चलो मैं फटाफट से पार्किंग को बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अभी गाइस मैंने ना बना दिए पूरी की पूरी पार्किंग और यहाँ पर मैं थोड़े से ये लगा देता हूँ। आप लोग देखोगे मैंने यहाँ पर ये मंगा ले भाई साहब P2 डाल कर, और गाइस अभी मैं इनको लगाता हूँ फटाक से गाइस ताकि भाई साहब दिखे ना कार वाला एरिया, मतलब मस्त लगना चाहिए भाई, एकदम ओपी भाई वाले चाहिए। चलो मैं इनको लगाता हूँ, मैंने उधर भी लगा दिए और इधर भी दो लगा देते हैं। उसके बाद इसके अंदर ना हम कारें खड़ी करने वाला है बिल्कुल महंगी महंगी ठीक है। तो चलो गाइस इधर मैं कर देता हूँ पहले तो ये मोड ऑफ ताकि ये मैं जो बना रखा हूँ ये हिल ना जाए मेरे हाथों से। तो चलो मैं यहाँ पर मंगाता हूँ एक थार। जी हाँ दोस्तों इधर मैं थार मंगा देता हूँ, यार चिटकोड आप लोग देख ही सकते होंगे इसका 400 चिटकोड होने वाला है, JXNR में मंगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी अच्छी अच्छी कारें मंगाता हूँ ताकि भाई पार्किंग फुल्ली लगनी चाहिए यहाँ पर। चलो मैं यहाँ पर फॉर्चुनर मंगाया, फोर्ड एंडीवर मंगा दिया और अभी कौन से अब भाई स्कॉर्पियो कैसे भूल गया, स्कॉर्पियो मंगा देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं लैम्बोर्गिनी मंगा देता हूँ भाई, ये लो आ गई लैम्बोर्गिनी भी। और लैम्बोर्गिनी वनैनो को कैसे भूल सकता हूँ, ले लैम्बोर्गिनी वनैनो भी मैंने स्पॉन कर दिया है। और गाइस अभी हम सेकंड थर्ड कार कौन सी है अगर आप पता नहीं यार। चलो गाइस अभी मैं यहां पर ट्रायल करता हूं भाई निसान GTR, ये चेक करो भाई न्यू अपडेट में निसान GTR आई थी और यहां पर मैंने एक पोर्शे मंगा दिया है। तो ये रही गाइस हमारी पार्किंग कितनी ज्यादा मस्त होने वाली है यार, आप लोग देख सकते होंगे। तो गाइस आपको ये पार्किंग एरिया कैसा लगा फटाक से कमेंट करना ठीक है। तो चलो गाइस अभी हम बनाने वाले ग्रीन एरिया ठीक है, यहां पर मैं ग्रीन एरिया बनाने वाला हूं और यही पे मतलब भाई सुबह सुबह उठो ग्रीन एरिया में बैठो चिल मारो चाय भाई पियो, मतलब मस्त मजे आने वाला है। चलो मैं यहाँ पर वॉल लगा देता हूँ और अब लगाता हूँ ग्रीन एरिया, नीचे लगाने वाला ग्रास, मतलब मस्त बिल्कुल। गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने ना यहाँ पर ग्रीन एरिया कितना ज्यादा मस्त बना दिया है और यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही लगा देना है। ऑलराइट लग गया बस गाइस आप लोग देख सकते हो। सो चलो गाइस मैं यहाँ पर कुछ बैठने का मंगाता हूँ भाई, यार ये तो डस्टबिन है। चलो मैं आपको डस्टबिन को गायब करके दिखाऊँ, यहाँ पर आपको देख दो मैं इसको ऊपर गया नीचे किया थोड़ा ऊपर गया फिर से नीचे कर दिया और ये पूरा का पूरा जमीन के अंदर भाई ये हो गया गायब। यहाँ पर डिलीट ऐसे आप लोग डिलीट कर सकते हो, बट हाँ ये छोटी मोटी चीजें डिलीट कर सकते हो, बाकी अगर बिल्डिंग की बात रही भाई डिलीट ही नहीं होंगी यार। तो
तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं बैठने का यहाँ पर बना देता हूँ, क्योंकि सोफा है तो है ही नहीं यार, मतलब सोफा चेयर वगैरह नहीं है यार यहाँ पर, यही है तो सिर्फ मैं यही पर लगा देता हूँ। और मैंने ये क्या मोड ऑफ जी हाँ दोस्तों, ताकि भाई ये चीजें ना हिल जाए। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का ग्रीन एरिया मैंने बना दिया यहाँ पर। तो चलो गाइस एंट्री के लिए मैं बनाने वाला हूँ ये लाइटों से गेट, काफी ज्यादा मस्त लगने वाला है, मतलब भाई अलग ही लेवल बनाने वाला हूँ। तो चलो मैंने यहाँ पर एक लाइट लगा दी, आप लोग देख सकते हो दूसरी भी लाइट इस साइड में लगाने वाला हूँ, ताकि हमको गेट वाला भी फील आए और लाइट भी रात को जले भाई मस्त तरीके से। ठीक है तो लगा देते हैं। सो गाइस हमारा पहले कुछ इस तरीके का घर दिखता था, बट मैंने मॉडिफाई करके बना दिया है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी की सारी चीजें लगा दी और घर हमारा काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, फुल्ली एकदम मॉडिफाई हो चुका है। चलो मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ क्या काम करा है मैंने यहाँ पर। तो घर में एंटर करते ही समय हमको देखने को मिलता है ग्रीन एरिया हमारे घर के साइड में, जो की काफी ज्यादा मस्त लगता है। ठीक है आप लोग यहाँ पर एक कार भी खड़ी कर सकते हैं, उसके साथ में हमने एक डस्टबिन लगा दिया ताकि कूड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारे गेट पे ना, गेट में अंदर अभी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, गेट पे लाइटें वगैरह लगा दिया। और उसके बाद हमारी भाई एकदम प्रोफेशनल पार्किंग भाई, चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने पार्किंग किस तरीके की बनाई है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी लग्जरी लग्जरी सुपर सुपर कारें मैंने खड़ी कर दी हैं, एसयूवी कार से लेकर सुपर कार भी, निसान जीटीआर, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी वगैरह वगैरह सारी की सारी कारें यहाँ पर खड़ी कर दी हैं। और हाँ गाइस यार अगर मुझे ये फॉर्च्यूनर निकालनी हुई तो मैं कैसे निकालूंगा, अरे भाई ये तो सोचा ही नहीं मैंने। चलो यार उसको मैं बाद में देखता हूँ, तब तक आप लोग ये गेट चेक करो भाई, लाइटें भी यहाँ पर लगी हुई है, गेट भी है, काफी ज्यादा मस्त लग रहा है गाइस हमारा गेट। और चलो अंदर चलते हैं, अंदर इधर उधर मैंने वॉल लगा रखी है। और उसके बाद जैसे एंटर करते हैं यहाँ पर मैं ग्रास वगैरह लगा रखी है, जो की काफी ज्यादा मस्त लग रहा है मेरे को। आपको ये कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर मैंने डस्टबिन वगैरह लगा रखे है, आप लोग देखो यहाँ पर कूड़ा वगैरह ताकि ना हो पाए। और इधर एक जेब्रा क्रॉसिंग है तो मुझे भी नहीं पता क्यों लगा दिया मैंने यहाँ पर। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी डस्टबिन रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने ना यहाँ पर ट्रीज वगैरह लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों कितनी ज्यादा मस्त जुरासिक पार्क वाले हमने यहाँ पर ट्री लगा दिए हैं। और इधर है भाई साहब और बड़े वाले ट्री, और इधर बनाए हैं हमने एक सीढ़ियां भाई, ये तो काफी ज्यादा मस्त है। तो चलो फटाक से गाइस हम सीढ़ियों पे चढ़ के चलने वाले हैं ऊपर, एंड एक बार फिर से देखने वाले हैं भाई किस तरीके का भाई मजे आते भाई इस पे सीढ़ियों पे चलने में, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हाँ गाइस आप लोग देख सकते हो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके का बनाया हूँ। और इधर भाई और अगर नीचे गिरा तो हड्डी पसली एक। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ फाइनली ऊपर, ऊपर हमको देखने को मिलता है खतरनाक सा रूम जी हाँ दोस्तों। और ये सीढ़िया कैसे लगी बता देना, ऊपर हमको एक रूम मिलता है जो कि ओपन रूम है। ठीक है मतलब इसको टेररिस्ट कह सकते हैं, टेरस टेररिस्ट क्या होता है मुझे तो पता है थोड़ा बहुत पता है। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको छत को कंसिडर कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देखो तो उधर भी हमने एक रूम बनाया है, और इस रूम के अंदर है भाई साहब हमारा खजाना जी हाँ दोस्तों। आप लोग देखो तो ये जो हमारे भाई साहब वार्डरोब्स रखे ना, इनके अंदर हमारा खजाना बहुत खतरनाक तरीके का। और इधर है हमारी पार्किंग के साथ गाइस, ये रहा वो हमारा मॉडिफाइड हाउस। गाइस आपको ये हाउस मॉडिफाइड कैसा लगा फटाफट से कमेंट करो। और हाँ गाइस अगर यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हो तो प्लीज से भाई वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ गाइस अगर चैनल पे नए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब भी कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक वीडियो आने वाली है। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं आपसे कोई न्यू खतरनाक वीडियो के साथ वापस। सब तक के लिए बाय बाय।